भारत नेपाल सीमा पर पेट्रोल डीजल की तस्करी की सूचना पर बोलते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बरती जा रही है। कुछ लोग वस्तुओं की तस्करी कर रहे हैं जिसमें पेट्रोल डीजल की तस्करी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से ऐसा मामला सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर किसी भी तरह की तस्करी ना होने पाए उस पर पूर्ण रूप से रोक लगाया जाए। इसके लिए सभी विभागों से समन्वय बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पूर्ण रूप से सतर्कता रखने की आवश्यकता है। उस क्षेत्र से कई प्रकार की तस्करी करने का लोग लगातार प्रयास करते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल भी है। चूँकि अभी पेट्रोल डीजल के प्राइसेज में डिफरेंस है तो ये भी सूचना मिल रही है कि कुछ अवांछनीय तत्व तो इसका लाभ उठा रहे हैं और इस तस्करी के आड़ में वो अन्य गैर कानूनी गतिविधि भी कर सकते हैं। हम लोग ने सभी को अलर्ट कर रखा है कि किसी प्रकार का कोई भी गैर कानूनी कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ना हो और इस संबंध में जो एजेंसीज हैं SSP हैं सीमा पुलिस हैं सभी लोगों से तालमेल बना के कार्रवाई करें।